अल्लाह रब्बुल इज्जत हर लहदा हर घड़ी हर साह अपने अहकामात के मुताबिक गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। इंसान के मुतालबे और सवाल दे बगैर अल्लाह पाक ने इस उम्मत के उत्ते इतने इनामात फरमाए हैं जो इनाम इंसाना दे तसव्वुर दे अंदर भी नहीं। जिस तरीके नाल
खुद इस उम्मत दा शान अल्लाह ने कुरान दे अंदर जिक्र फरमाया है। तुसा खुद अंदाजा करो कि वो उम्मत कितनी खुश नसीब है और कितने मकाम और मर्तबे वाली है जिन्हां दी शान अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है। ये अलहदा चीज़ है कि इंसान अपने आप नू साए कर रहा है, ये अलहदा चीज़ है कि इंसान अपने अल्लाह के अहकामात को कंठ करके जिंदगी गुजार रहा है, ये अलहदा चीज़ है कि इंसान अपनी तबाही और बर्बादी का इस कदर समा कर चुका है कि उसने अपनी तबाही और बर्बादी के अंदर कहीं किस्म की कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी, हत्ता के इंसान इस कदर अपने आमाल के लिहाज नाल पस्त हो चुका है कि अपनी अखां नाल ये तकलीफ दे मंजर बार बार देखने को मिलता पाया है कि पैदा करने वाला अल्लाह पाक इस इंसान नू अपने घर के नेड़े नहीं पे लगन देता, हालांकि हर मामला अल्लाह की कुदरत नाल होता है। ये तमाम जहान इस दे अंदर अल्लाह की कुदरत नाल निजाम चल रहा है, हत्ता के अल्लाह करीम फरमाते हैं मा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा। तवज्जो करना, जंगल दे अंदर बहरो बहर दे अंदर आबादी वैरानी दे अंदर शहरा ते बस्तियां दे अंदर मा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा, कहें दरख्त तो सुखा पत्ता उस वक्त तक जमीन ते नहीं डहता जब तक पैदा करने वाले की मर्जी न होवे। और अल्लाह जानता भी है, अल्लाह पाक जानता भी है इस चीज को, किताबों के अंदर ये मजबूर है इस आयत की तफसीर के अंदर कि मा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा। तवज्जो करना, कोई दरख्त तू खुश्क पत्ता जमीन दे उत्ते जिस वक्त ढांदा है, हालांकि उसके मुतालिक दुनिया के बादशाहों को कोई इल्म नहीं, खुद सल्तनत दे वाली और हकूमत करने वाले नू कोई पता कोई नहीं, जिस दे घर दे अंदर वो पत्ता ढांदा पिया उस घर दे मालिक नू कोई पता कोई नहीं, वो अपने निजामा दे अंदर है। पर अल्लाह दी कुदरत ऐसी है कि अल्लाह करीम नू चाहे वो पत्ता रात दे अंदर पिया ढांदा है, चाहे नींद दे अंदर पिया ढांदा है, अधारी दे अंदर पिया ढांदा है, या बारिश दे अंदर पिया ढांदा है, सूरज की रोशनी पिया ठांदा है, या रात की तारीखी के अंदर पिया ठांदा है। अल्लाह करीम फरमाते हैं इल्ला यालमुहा, मैं अल्लाह जानता हूँ उसको। और किस तरीके नाल अल्लाह जानते हैं, कम तस्कुत कितने पत्ते ढांदे पैन, मता तस्कुत किस वक्त पत्ता जमीन के उत्ते ढांदा पिया है, और कम तदूर फिल हवा कितनी देर वो हवा दे अंदर कलाबाजियां खांदा रहा है, कहनू कोई इल्म कोई नहीं, पर इस सारे मामले नू जानन वाला अल्लाह पाक है। उस अल्लाह पाक ने कुरान मजीद दे अंदर ये भी ऐलान फरमाया है, हजरत लुकमान अपने बेटे नू नसीहत कर रहे हैं, पहली पहली नसीहत कर दें ते फरमाते हैं या बुनैया ला तुशरिक बिल्ला, ए मेरा बेटा अल्लाह दा कहनू शरीक ना करे, इन्ना शिरक ला जुल्म नाज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म और बेइंसाफी है। अग्गा चल के अपने बेटे नू नसीहत कर दे अल्लाह पाक दी तरफों ऐसी नसीहत के उसकी तारीफ अल्लाह ने कुरान मजीद दे अंदर कीती है। अपने बेटे नू हजरत लुकमान ये हुक्म दे रहे, नसीहत कर रहे,
या बुनैया और मेरा बेटा, इन्हा इन तक मिसकाल हब्बतिन मिन खर्दलिन, एक राई दे दाने बराबर ही अगर तेरी नेकी या गुनाह दुनिया दे अंदर होया। मुसलमान कौम नू तवज्जो करनी है इस मामले ते कि असाडी जिंदगी गुनाहां नाल आलूदा हो चुकी है, गुनाह असाडी जिंदगी ते हावी हो चुके, जवानी गुनाहां दे जरिए बर्बाद हो चुकी है, रब दी नाराजगी बिल्कुल इंसान दे सामने वाज़े हो चुकी है। इस दौर दे अंदर उम्मत नू इबादत दे नाल नाल ए सोच विचार भी करना चाहिए है कि असा हर कदम को अमल करूँ जिस नाल अल्लाह दी रजा नसीब हो जाए। अल्लाह ने तो शान और मर्तबा दिता है, पर इंसान अपने आप नू नहीं संभाल रहा। अगर इस राह चलता रहा इंसान तो अल्लाह दा अजाब बिल्कुल करीब है। उंजे इना लोगों के उत्ते अजाब आ वजना है जिन्हें कह दौर के अंदर काफिर कौमां ते अल्लाह ने अजाब भेजा है। अल्लाह हो अल्लाह, एक राई दे दाने बराबर अगर तेरी नेकी मेरा बेटा या तेरा गुनाह, फतकुन फी सखरतिन, और तैं पत्थर दे सख्त पर्दे दे अंदर लुक के ओ गुनाह कीता, औ फी समावात या आसमान दियां बुलंदियां दे अंदर रह के मखलूक तू उत्ता हो के बाला तर हो के हर कैदी अख तू बच के तैं गुनाह कीता उठे, औ फिल अर्द या जमीन दे अंधेरे दे अंदर लुक के तहत सरा तू भी तल्ले चल गयो, औ फिर समावा ते औ फिर अर्द। इस तौर ते अगर कोई भी मामूली जिया तय गुनाह कीता या कोई नेकी कीती या ते भी अल्लाह डी क्यामत दे अल्लाह तेरे सामने कर दे, क्योंकि जानन वाला कौन है? अल्लाह हो अल्लाह। इस वास्ते मुसलमान कौम नू संभल के जिंदगी गुजारनी चाहिए। मैं इब्तदाई कुछ लफ्ज तुहाडे सामने जिक्र करना चाहता, अगर तुहाडी तवज्जो हुई तो पता नहीं जिंदगी दा कितना वक्त और कितना एक मौका बाकी है। मुलाकात रब करीम दी तौफीक नाल आइंदा नसीब होंदी है कि नहीं होंदी, क्योंकि वह मर्जियां दा मालिक है। जिस वक्त उसका फैसला आवे ना एक कदम इंसान अग्गा चलता है तो ना पीछा हटता है। जिहड़ी जगह दे उत्ते मुकर्रर है वक्त उत्थे आ के रहना है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, असा लोगों की जिंदगी गुजर रही है, नामा आमाल साडा नेकियां तो खाली है, केड़ा बंदा है जिहड़ा ये कोशिश करेंदा है कि मैं सुन्नत नबवी दे मुताबिक रोज़ाना सलाम करना है। हर आदमी अपनी जिंदगी पढ़ता आवे, नबी अलैहि सलाम को एक साहबी आंदा है आके सलाम करेंदा, अस्सलामु अलैकुम। नबी अलैहि सलाम फरमाया अशर। दूसरा सहाबी आंदा है आके सलाम करदा है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नबी अलैहि सलाम फरमाया इशरीन। तीसरा सहाबी आंदा है, उसने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। नबी अलैहि सलाम फरमाया सलासीन, के मतलब ये साख्या अस्सलामु अलैकुम। नबी अलैहि सलाम फरमाया तेरे नामा व अमाल च अल्लाह करीम ने डा नेकियां लिखवा दितियां। फरिश्ता जड़ा लिखारी मुकर्रर है इंसान दियां नेकियां वास्ते, अल्लाह ने उसनु हुक्म दिता है तेरे नामा अमाल च दस नेकियां लिखिया गई। जिस सहाबी ने आके सलाम किया है तो आख्या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नबी अलैहि सलाम फरमाया अल्लाह ने फरिश्ते नु हुक्म दिता है तेरे नामा अमाल च भी नेकियां लिखवा दितियां गई। ये सहाबी ने आके आख्या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, नबी अलैहि सलाम फरमाया अल्लाह ने फरिश्ते नु हुक्म दिता है त्री नेकियां तेरे नाम आमाल च लिखिया गई। सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह दे पाक रसूल ने जिहड़ा सलाम तालीम दिता है, 40, 50 या 60, 70 साल की जिंदगी गुजारन वाला कदई एक मौके दे उत्ते ही सुन्नत के मुताबिक सलाम किया है उसने, या दिल च ख्याल पैदा होया कि मैं अपना नुकसान कर रहा है? सुन्नत के मुताबिक ये उम्मत ना सलाम करे, सुन्नत के मुताबिक
ए उम्मत ना कपड़ा पावे सुन्नत दे मुताबिक, ए उम्मत ना मस्जिद चावे सुन्नत दे मुताबिक, ए उम्मत ना मस्जिद चू निकले सुन्नत दे मुताबिक, ए खाना ना खावे सुन्नत दे मुताबिक, ए पानी ना पीवे, बल्कि पूरी जिंदगी गुजर गई है तो बंदे नू पता ही ना होवे कि सुन्नत तरीका है क्या पानी पीवन दा। ये कितना नुकसान कर रहा है इंसान अपना। हालांकि पानी पीवन दे मामले दे अंदर छे दर्जे दिया सुनता हैं। कितने दर्जे दिया? मैं ये गल मुख्तसर करके कुरान मजीद पढ़दा, अल्लाह रब्बुल इज्जत शरीयत अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन जड़ी गल मैं कर रहा ये बहुत कीमती गल है, आम तौर पर स्टेजा तो सुनने को नहीं मिलती। अगर मैं ये सवाल करा कि मेरी इस उम्मत और मेरे मुआशरे की तरबियत करने वाला उस्ताज वो पहले ये दसे कि नबी अलैहिस्सलाम का पानी पीवन के मुतालिक तरीकाकार है क्या? अगर इसनू ये पता नहीं तो ये तेरी मेरी औलाद की तरबियत के कर सकता है? बुनियादी चीज़ा जड़िया मजहब इस्लाम दिन जिन्हों के उत्ते बंदा अमल च करे तो पूरा नामा अमाल नेकिया नाल भर दिता जाता है। उसका ख्याल ही कोई नहीं उम्मत के लोगों के सहन के अंदर चाहते ये हैं कि साढ़े उत्ते नेमत उंज हो जिंज अल्लाह ने सहाबा से की, इनाम उंज मिले जिंज अल्लाह पाक ने अपने बरगुजीदा बंदियां ते कीते, इनाम उंज साढ़े ते क्यों नहीं होते जिंज हबीब नजार ते होए, नेमता उंज क्यों नहीं होदियां जिवें असहाबे कहफ नूं मिलियां, नेमता उंज क्यों नहीं मिलदियां असानू जिहड़ियां हजरत आसिया नूं मिलियां। नेमता दी तवक्को इतना करदा है इंसान, पर इस ऐसा गफलत के अंदर है कि इसकी जिंदगी का एक तवील अरसा गुजर चुका है, इसनू पता ही कोई नहीं कि मेरे पैगंबर की सुन्नत का तरीका के है। कायनात के अंदर रोजाना पानी पींदा इंसान, पींदा कि नहीं पींदा? खब्बे हाथ नाल पानी का गिलास ते हिके साह दे उत्ते अंदर च सटिया ते आदा मैं मुसलमान हाँ। हालांकि अल्लाह दे पाक रसूल फरमाते ला ताकुलू बिशिमाल, खब्बे हाथ नाल ना खादा करो, ला तशरबू बिशिमाल, खब्बे हाथ नाल ना पीता करो, इन शैतान याकुल व यशरब बिशिमाल, ये शैतान का काम है कि वह खब्बे हाथ नाल खांदा भी है ते पींदा भी है। ये उम्मत ऐसे तरीके दे उत्ते चल पई है कि मुआशरे के अंदर केड़ी केड़ी चीज़ का तज़करा किया जाए, शादियां दे फंक्शन उत्ते लोग खड़े हो के खा रहे हैं, पैगंबर की सुन्नत का कतल कर रहे हैं, अपने रिवाज को कंड नहीं पै करें दे कायनात। छे दर्जे सिर्फ पानी का गिलास अगर आदमी सुन्नत के मुताबिक इस्तेमाल करेंदा है तो नामा आमाल के अंदर ऐसी रौनक पैदा होती है जड़ी इंसान के तसव्वुर के अंदर भी नहीं। पहला नंबर, पानी अपने सज्जे हाथ के अंदर घिंदा है। दूसरा मरतबा, पानी के अंदर डेहदा है। ये भी सुनना थे कि कोई तकलीफ दे चीज़ तो नहीं पानी दे अंदर। तीसरा नंबर, बह वेंदा है। चौथा नंबर, पीवन तो पहले अगर होर कोई दुआ नहीं भी आती तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता है।
मैं अपने रहमत वाले अल्लाह के नाँ की बरकत नाल शुरू पिया करेंदा। वो खुद अंदाजा करो मुसलमान इो जहाँ पानी इस्तेमाल तू करें अल्लाह इस जरिए शिफा देसी कि ना देसी। जेड़ा पानी इस्तेमाल करें दे होया बंदा ये वजीफा पिया करें दा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुनिया दे अंदर भी रहमत मेरे अल्लाह दी है, आखरत दे अंदर भी रहमत मेरे अल्लाह दी है, ना दुनिया च रहमत मुकदी है मेरे अल्लाह दी, ना आखरत च रहमत मुकदी है मेरे अल्लाह दी। आखरत दे अंदर अन मिट अन खुट रहमत करन वाला मेरा अल्लाह पाके, दुनिया दे अंदर भी हर कहे दे उते रहमत करन वाला, चाहे कोई अमीर है गरीब है शाह हे गदा हे अपना हे बेगाना हे अरबी हे अजमी हे मौलवी हे या जाहिल हे, जिस कैफियत का बंदा है कोई माजूर है या ठीक है उस उत्ते रहमत अल्लाह की पई आती है। रात त रहमत है, दिन त रहमत है, कुरबानी त रहमत है, ज़िलहज त रहमत है, रमजान त रहमत है, मुहर्रम त रहमत है, रोशनी त रहमत है, अंधेरा त रहमत है, जागदा त रहमत है, जे नींद त रहमत है, जेड़े जेड़े हाल दे अंदर हे वो रहमत अल्लाह पाक करेंदा पिया। जिड़ले पानी पीवन लगा है ते आदा पिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ए मनेदा के दुनिया दे अंदर भी रहमत मेरे अल्लाह दी है, आखरत दे अंदर भी रहमत मेरे अल्लाह दी है, ते उसे रहमत वाले अल्लाह दे ना नाल शुरू पिया करेंदा ते ए पानी पिया पींदा। इंजे बिस्मिल्ला 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 करेंदे छड़ा पानी भी अगर इस्तेमाल सुन्नत दे मुताबिक च करेंदा है तो ओ रब्बे जड़ा 40 साल दे अयूब पैगंबर दियाँ बीमारियाँ सादे पानी नाल दूर कर देंदा है, वह तैनू भी शिफा जरूर अता कर दे सी कायनात। पर पहले मुसलमान तो बन, असन तो आज तक ये पता ही नहीं लगा कि सुन्नत के है। वजड़े ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दस वजहन दे अंदर पुख्ता एक गल रखी बैठा है कि नबी अलैहिस्सलाम का तरीका ये हा कि त्रै साह घिन के पानी पींदे होंदे आ। मैं उंजे करना है जिवें मुहम्मद करीम ने कीता है, मैं उंजे करना है जिन्हें अल्लाह दे रसूल ने कीता है, मैं उंजे करना है जिन्हें मेरे महबूब ने कीता है, मैं उंजे करना है जिन्हें रहमतुल्लिल आलमीन ने कीता है, मैं उंजे करना है जिन्हें उम्मत दे खैर खाह ने कीता है, मैं उंजे करना है जिन्हें मुहम्मद रसूलुल्लाह मत्थे ते पत्थर बर्दाश्त करके वत भी दुआवां करके उम्मत की खैर खाई की है। मैं उंजे करना है कायनात के अंदर काफरां दा तरीका नहीं, हिंदुओं का तरीका नहीं, यहूदियों का तरीका नहीं, नसरानियों का तरीका नहीं, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके उत्ते अमल करना है। इस तरीके नाल सड़ा पानी का इस्तेमाल भी मुसलमान की आबादी का सबब बन सकता है। जिड़े पानी इस्तेमाल कर गी दस उसले होर कोई दुआ नहीं आती तो इतना आख छोड़े कम अद कम के अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सारे कमाल तेरे हैं, जे घुट पानी दा मेरे गले तू तले तू न वंजन देंदा तो दुनिया दी कहीं हस्ती दी ताकत भी नहीं कि वो उतार सके। अल्लाह हो अल्लाह। पर इंज कीता है मुसलमान ने, केड़ा नुकसान कीता के नामा आमाल खाली पे है, सलाम सुन्नत दे मुताबिक नहीं, पानी सुन्नत दे मुताबिक नहीं, हत्ता के एक एक मामला नबी अलैहिस्सलाम ने कपड़े जिस वक्त पाए न तो नबी अलैहिस्सलाम दुआ पढ़ते होंगे सन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही सौती, तमाम कमाल मेरे उस अल्लाह दे हैं जिसने मेरे आस्ते ऐसे लिबास का इंतजाम किया है जिस दे सरीए असा सतर ते अपने शर्म वाली जावां नूं लुका चुके हैं। ये इंतजाम करने वाला कौन है? अल्लाह हो अल्लाह। हत्ता के आखिरी गल, अल्लाह हर किसी नूं सुन्नत ते अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम शीशा ला के अपनी शक्ल ही अगर डिठी है तो उत्थे भी दुआ पढ़ी है ते अल्लाह दे पाक रसूल ने फरमाया है अल्लाहुम्मा हसन खुलकी कमा हसन तखलकी, ओ मेरा सोहना अल्लाह साईं जिवें मेरी शक्ल सूरत सोहनी बनाई है इंजे मेरे अखलाक भी सोहने कर दे। जिड़े दुआ हर वक्त पढ़ते होंगे सन, शकल तो अल्लाह ने सोहनी बनाई भी है, आप दे चेहरे दे नाल दा चेहरा नहीं, आप दे सुल्फां दे नाल दी सुल्फ नहीं, आप दी जबीन दे नाल दी जबीन नहीं, आप दे रुखसारां दे नाल दे रुख। अल्लाह हो अल्लाह। इस वास्ते मजबूर थी कि हजरत हसन फरमांदे हसन मिन कलम तरकत तो आईनू
احسن من کلم ترکت عینو واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء اللہ دے پاک رسول بیٹھے مدینے ویچ اللہ اللہ صحابہ کرام بھی موجود تے کیڑا نصیب اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ دا رج دے دیوں دے آن نبی علیہ السلام دی صورت اللہ اللہ نبی علیہ السلام بیٹھے رونق ڈٹھی ہے حضرت حسان نے آپ دے چہرے دی نورانیت سارے جہان دے حسن مل ونجے آمنہ دے نال لال دے نال دے حسن اللہ کہے کو نہیں دیتا اللہ اللہ کم بن قد اللہ ببن اللہ شرفا کمالا برسول اللہ ادنانو ہر کئی دا حسن اپنی جات ونی رہندا اے پر جڑے لے محمد رسول اللہ دے حسن دا نمبر آیا اے پنجھا رشتے دار کتو جڑا ہار نبی علیہ السلام دا لوگ انہاں دی وی تعریف کرن لگ گئے آن اللہ اللہ حالانکہ یوسف علیہ السلام دا حسن اللہ نے انہاں دی تعریف کیتی ہے تے لوگاں وی انہاں دی تعریف کیتی ہے کہ بڑا حسن و جمال تے بڑا کمال پر جڑے لے محمد الرسول اللہ دا نمبر آندا گیا ہے کوئی صحابی نیڑے لگ گئے تا وی سونا تھیندا گیا ہے کوئی بیوی بنیے تا وی حسن آندا گیا ہے کوئی ممبر نبی علیہ السلام دے استعمال چاہیا تا سونا تھیندا گیا ہے کہیں مسجد کو نسبت نبی علیہ السلام دے نال لگیے تا سونی تھی دی گئیے حتیٰ کہ حبش تو آمن والا رنگ دا کالا بلال ہو تھنا دے موٹے وطنو بے وطن تھی کہ آئین مدینے دے اندر نبی علیہ السلام دے موزن بڑن تے پڑھ دے کھلوتن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کریم فرمان دن میرے محمد کریم دے نال تعلق جو دل لالا بنے آئے ہون شانے دے کے ٹردہ زمین تے ودہ بلالا بشدہ تے پیرا دی آواز عرش بری اللہ اللہ اے حسن جمال اللہ ای امت دے وجہ نعمتہ کی تن حفاظت کرو اپنے آپ کو ضائع نہ کرو اللہ اللہ نبی علیہ السلام دی عزت نبی علیہ السلام دا مقام تیری بھی اللہ نے قرآن مجید تعریف کیتی ہے میں جڑی ابتدا دے اندر گل کیتی ہے میں اپنے مضمون کو کہ ایک پاسے لا کے میری کوشش ہوندی ہے کہ کو گل سمجھ آون جے تے اللہ میرے سمیت سارے ساتھیوں نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے میرا بھائی کوئی چیز کم نہیں آونی بہو سارے دنیا دار دنیا نال کھیڈ دے رہن جڑے لے ٹورن تا خالی ہاتھ ٹورن دنیا انہاں دے قدماں تلے رہی ہے کوئی پرواہ انہاں نوں نہیں رہی میرے ضمیر دی اگر پوچھیں تا میں تین اے نصیحت کرے سا ہر زندگی دے ڈھی دے اندر صبح تو گھن کے شام تک اور شام تو گھن کے صبح تک ایسی رج مزدوری کر اپنے اللہ نو راضی کرن واسطے کہ جڑے لے موت نیڑے آوے تا تیرا دل مطمئن ہوئے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرن واسطے بہت کچھ کیتا ہے چھوڑ گناہ ورنہ برباد تھیے سے ایڈا مخلص تھی ون اندازہ تا کر کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دے اندر دکھایا ہے اپنا پتر میرے ناتے سبا کر
छुरी तेज करके सुबह सवेर तैयार थी गया, मेरा पुत्र तैयार थी वन नाले मनु एडा सीचा भाई तेरा की ख्याल है। उन्हें आखा या अबा तिफाल मा तू उमर, मेरा अबा जान हुक्म पैदा करने वाले का होवे तो मैं उत्ते रजामंदी का इजहार ना करा, ये गल ढुकदी नहीं। अल्लाह ने तैनू हुक्म दिता देर ना कर बाबा, अल्लाह के नाते सबा कर ताकि उसकी रजा तैनू भी नसीब थी वंजे तो मैनू भी नसीब थी। जान भावें रहती है तो भावें ना रहे ओ राजी रहे, अल्लाह राजी रहे। अल्लाह अल्लाह तेरी भी तारीफ है, कुन तुम खैर उम्मतिन, तेरे नाल दी उम्मत नहीं। तैनू अल्लाह ने जेड़ा नबी दिता है उन्हां दी भी तारीफ है कि उन्हां दे नाल दा कोई नबी नहीं। तैनू अल्लाह ने जेड़ा इल्म ते किताब कुरान पाक दिता है उस इल्म दे नाल दा पहले कोई इल्म नहीं। ला रैब भी है ते बे ऐब भी है। इनाद खान नातां वदे पढ़ते होंदे ला रैब किताब है ते बे ऐब किताब है। बे ऐब तो है वाकई, ला रैब तो है वाकई, लेकिन ये दस के जड़ा कुछ इस दे विच है ओ तू मनेंदा है। इस दे विच तो ये आया है कि उस बेनियाज की मर्जी अगर होई है तो आदम अलैहिस्सलाम नू जन्नत च दित्ती है सर। जे बेनियाज की मर्जी के अंदर आया है तो आदम अलैहिस्सलाम नू जन्नत च उतार दिता सर। जे बेनियाज की मर्जी के अंदर आया तो 40 साल तो नहीं, एक रिवायत के अंदर के आदम अलैहिस्सलाम ते हजरत हवा रोंदे रहन, बेलाखिर जबले रहमत आले मकाम दे उते मुलाकात होती है, उत्थे हजरत आदम अर्ज करेंदे हैं मैं भी अल्लाह को मंगदा ते तू भी हवा अल्लाह को मंग, मैं दुआ करा ते तू आमीन आख ताकि वह अल्लाह साढ़े उत्ते राजी थी वजे। लिहाजा जेड़े उत्थे हाथ उठा के तेरा बाबा ते मेरा बाबा खलोता है तो उस वे कह कबर ते निगाह नहीं, कह जंडी ते निगाह नहीं, कह मुर्दे ते निगाह नहीं, कह नबी वली ते निगाह नहीं, कह अपने बेगाने ते निगाह नहीं, कह दुनिया की हस्ती ते निगाह नहीं। उस वे निगाह अगर वेंदी है तो एक अल्लाह की तरफ ते आदन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन। अल्लाह मेरे को एक बेजा कम थी गया है, अगर तू रहमत ना करे तो सानू आबाद करन वाला कोई नहीं। अल्लाह करीम ने एक कलमे सिखा दिते जेड़े ले दुआ कीती है, अल्लाह करीम ने अपनी रहमत की चादर पवा के दोबारा आबाद कर दिता है कायनात सारे। इस कुरान मजीद के अंदर देखो इम्तिहान ही इम्तिहान, एक लाइन लगी हुई है पर अल्लाह ने हुक्म दिता जेड़े ले मैं इम्तिहान देवा सज्जे खब्बे ना देख सो साढ़ अगर मरे सो तो मैं अल्लाह नू साढ़ मरे सो। अल्लाह हो अल्लाह वो वेखो कुरान मजीद दे अंदर इस ला रैब ते बे ऐब किताब दे अंदर अल्लाह करीम ने के फरमाया। अल्लाह करीम फरमांदे पैगंबर है मेरा याकूब अलैहिस्सलाम उन्हां दा नाम है। अल्लाह ने नबूवत दे के दुनिया के अंदर भेजे पुत्र दी मुहब्बत दिल दे अंदर अल्लाह दुनिया तू वखरी चपाई है। मुहब्बत पावन दे बाद वत पुत्र ते बेटे को अल्लाह अपनी कुदरत ते मर्जी नाल जुदा च कीता है। ये कुरान पाके च दिल दे अंदर मुहब्बत चपाई है। यारा बेटे आंदे याकूब अलैहिस्सलाम को आंदे या अबाना मालक ला तमन्ना ला यूसुफ, अब्बा जी साडे भीरा को साडे रले क्यों नौ वंजन देंदे। अल्लाह दा पैगंबर को जवाब देंदा ते आंदा इन्नी